इबादतों का अकाउंट भर कर रखना। बोली सर सब अब बहुत हंस रहे हैं, देखिएगा इबादतों का अकाउंट भर कर रखना, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। इबादतों का अकाउंट भर कर रखना, बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। अमल के नोट कफन में छिपा कर रखना, अमल के नोट कफन में छिपा कर रखना, वहाँ सिफारिशों का कोई पेटीएम नहीं चलता, वहाँ सिफारिशों का कोई पेटीएम नहीं चलता। आइए हजरत, आप हजरत के बीच एक ऐसे मुकर्रर को आपके हवाले करने जा रहा हूँ, आपके दियारे मोहब्बत से चमकता हुआ एक बेहतरीन मुकर्रर, नौजवानों के दिलों पर राज करने वाला मुकर्रर, जो चार वेदों का जानकार, अथर्वेद, सांगवेद, सारे भाषाओं का जानकार, जो आपने इससे पहले एक चतुर्वेदी को सुन चुके थे। ये चतुर्वेदी ऐसा चतुर्वेदी है जो आपके यहाँ एक नात खानी भी करना जानते हैं, कुरान खानी आपके यहाँ कोई मर जाए तो उसके कुरान खानी भी करना जानते हैं, और आप तमाम ही हजरात को अपने दिलों में समाना भी जानते हैं। एक ऐसे चतुर्वेदी के आपके हवाला करने जा रहा हूँ, आप तमाम ही हजरात जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे जिसको आपको बुलाने जा रहा हूँ। मेरी मुराद हजरत मौलाना रिजवान साहब चतुर्वेदी पर जाकर रुकती है। हजरत वाले का इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश है न मकाम चाहते हैं, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश है न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मकाम चाहते हैं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं। हमें अपने ही नजरिए पे है एतमाद नहीं, लेकिन हमें अपने ही नजरिए पे एतमाद है, लेकिन तेरे हुस्न के मनाजिर सरे आम चाहते हैं, तेरे हुस्न के मनाजिर सरे आम चाहते हैं। हजरत वाला माइक पर सभी हजरात इबादत की नियत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تؤقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن الصلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياكم والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المسكين قال المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤتى من حسناته وهذا من حسناته وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه ثم أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكون الخامس فتهلك الخامس ان تبغز العلم واهله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
सनातन धर्मं पंचम वस्तु प्रथमा एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहन नास्ते किंचन नास्ते किंचन द्वितीय वस्तु षष्ठां कर्तक तृतीय वस्तु दानं भिक्षथा चतुर्वेष्ट व्रतधारी पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते न परहा पापा मादत्ते परेशाम पापा कर्मनाम समयो रचित वस्तु संतास चारित्र भूषणा योगी युजीत सततमात्मा नम रहस्य स्थिता एकाकी रचतात्मा निराशीर परिग्रह धृति ही क्षमा दमोस्ते यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत में करोड़ो दशकम धर्म लक्षणम यहाँ न पक्षपात कुछ राखो वेद पुराण सतमत भाखो सनवत विक्रम दू अनंडा महाकोख नस चतुर परतंडा राजनीति भवपीरति दिखावे आपन मत सबका समझावे सुरंग चतुर सुचारी तिनको वंश भयो अत भारी तब तक मति सुंदर कोया बिना महामद पार न होया तब से मानहु जंतु भिखारी समरत नादि बरत धारी तब सुंदर निर्मार न हुई तुलसी वचन सत्सत हुई डाइस पर तशरीफ फरमा इस इलाके के मुअज्जज व मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम खुसूसी तौर पर सदर ज़ीवकार हम सब के मशफूक व मुरब्बी हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासमी सदर जमीयत उलमा सुपौल नाज़िम जलसा हाफिज व क़ारी अतहर साहब जलाली और इसी तरह से आपके गांव के माइनाज इमाम व खतीब हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमानी और लोकहा के इमाम व खतीब हैद मौलाना इसराइल साहब इशादी और बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और सभा में उपस्थित प्रिय सज्जनों मित्रों देश बंधुओं नौजवान साथियों पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों अल्लाह तबारक व ताला का बेहद एहसान और करम है अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको दीन की निस्बत पर ईमान की निस्बत पर दावत की निस्बत पर एक जगह बैठने की तौफीक अता फरमाई। आज ये जो आपका जलसा है आपका जलसा दो उनवान पर मुश्तमिल है इस्लाह-ए- माशरा और तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और उसी के ताल्लुक से मैंने कुरान मुकद्दस की दुआएत करीमा तिलावत की तीन हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसके बाद मैंने मनुस्मृति और बाल भारती भविष्य पुराण का हुआ श्लोक और मंत्र मैंने पढ़ा है जिसका ताल्लुक इस्लाह माशरा और तालीम बेदारी के साथ है। आइए जलसा में आए हुए नौजवानों आज इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से एक कीमती पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि इस्लाह माशरा क्या है और हमारा माशरा का इस्लाह कैसे हो सकती है सुधार कैसे हो सकता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये दो तीन बातें हदीस और कुरान की रोशनी में वेदों कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचा करके फिर अपनी जगह ले लूंगा। इसलिए कि तीन बज चुके हैं इस हमारे बाद दो अजीम शख्सियत हजरत मुफ्ती अब्दुल कासिम साहब जो हमारे जिला सुपौल के काजी साहब हैं और सदर ज़ीवकार हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासिमी इनके भी खिताब को हमें आपको सुनना है। इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच हाइल होना नहीं चाहता हूँ लेकिन गंगा पट्टी के नौजवानों को मैं जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है कि माशाल्लाह गंगा पट्टी के नौजवानों में और सामईन के अंदर में जज्बा मैंने देखा है चाहे रात के तीन क्यों न बज रहे हैं लेकिन आज जो सामईन लोग इतनी बेदारी के साथ उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं खुदा पाक कसम ऐसा लग रहा है कि जलसा अब शुरू हुआ है। अल्लाह तबारक व ताला जो आपने इन आए हुए उलमाए किराम के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है अल्लाह तबारक व ताला आप सब की इस मोहब्बत के सबूत देने को बेइंतहा कबूल फरमाए अल्लाह तबारक व ताला आप सबको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। नौजवानों शायर कहता है मुसलमान अगर उदखुलु फी सिल्म का मजहर नहीं होगा मुसलमान अगर उदखुलु फी सिल्म का मजहर नहीं होगा तो शजर उम्मीद की समर आवर नहीं होगा और कब्र में जाकर पछताना पड़ेगा सोच ले नादान कब्र में जाकर पछताना पड़ेगा सोच ले नादान हम राह अगर तेरे आमाल का दफ्तर नहीं होगा और शायर कहता है
फिक्रे दुनिया करके देख लिया फिक्रे उकबा करके देख, फिक्रे दुनिया करके देख लिया फिक्रे उकबा करके देख, छोड़ कर जिक्र सबका जिक्र मौला करके देख, कौन किसका होता है यहाँ और कौन किसका हुआ, सबको अपना के देख लिया रब को अपना के देख। वैसे बात है कि नहीं बात? इससे कबल आप हजरत मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती असलम साहब चतुर्वेदी से वेदों की रोशनी में काफी बातें आपने सुनी है। आइए मैं सिर्फ इस्लाहे मुआशरा के ताल्लुक से हदीसों कुरान और वेदो पुराण की रोशनी में दो तीन बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों, मुआशरा किसे कहते हैं? समाज और मुआशरा आपस में मिलजुल करके एक जगह रहने को मुआशरा कहा जाता है। आप जो इस सरजमीन पर गंगा पट्टी में हिंदू मुसलमान तमाम धर्म के मानने वाले लोग मिल करके जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसी को मुआशरा कहा जाता है। लेकिन मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हमारा समाज हमारा मुआशरा खराब हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए ये वलवाए किराम इस्लाहे मुआशरा का कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि वो बुराइयां जो समाज के अंदर में पैदा हो गई है जिससे हमारा समाज खराब हो गया है, वो उलमा उन बुराई को बयान करेंगे, उसका इलाज बताएंगे ताकि हमारा समाज का सुधार हो सके, माशरे की इस्लाह हो सके। नौजवान साथियों, अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने तीन ऐसे बड़े गुनाह का तज़किरा किया है जिसने हमारे समाज को गंदा कर रखा है, जिसने हमारे समाज को खराब कर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, रब कह रहा है ऐ लोगो बदगुमानी से अपने आप को बचाओ। बदगुमानी करने से हमारा माशरा खराब होता है। रब कहता है अपने आप को बदगुमानी से बचाओ। इन्ना बाद जन्न इस्मुन, इसलिए के बाज बदगुमानी ये गुना हुआ करता है। वाला तजस्सु, किसी के तजस्सुस में मत पड़ो, किसी के टोह में न पड़े रहो। वाला यगतब बाज़ुकुम बाज़ा, और एक दूसरे की कीमत नहीं किया करो। ये तीन बुराई अल्लाह ने इस आयत करीमा में तज़किरा किया है। आज माशरे के हालात को देख लीजिए, आपको ये तीनों बुराई आज आपके समाज के अंदर में पाई जाती है। एक है बदगुमानी, एक है किसी इंसान के टोह में पड़ा रहना, एक है गीबत करना। ये हमारे माशरे की बीमारी है, अल्लाह रहम फरमाए, जिसका मैं आपके सामने तज़किरा कर रहा हूं। सबसे पहले गीबत। गीबत बोलते हैं अगर किसी मुसलमान से कोई गलती हो गई, इंसान है इंसान से गलती हो जाती है, तो आपका काम ये था जिस इंसान से गलती हो गई है आप जाकर के उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, उनकी सलाह की फिक्र कीजिए। आप उनको ना बोल करके किसी चाय के दुकान पर किसी पान की दुकान पर बैठ करके आप उसकी बुराई बयान कर रहे हैं। आज हमारे गांव के अंदर में फला साहब ने वैसा कर दिया, फला साहब की बेटी को मैंने फला से बात करते देखा, मैंने फला साहब की पुतों को फला की गाड़ी पर बैठ करके सिंपल जाते हुए देखा। आप चाय की दुकानों पर मुसलमानों जो उसके तज़किरा कर रहे हैं उसे गीबत कहा जाता है। और आपको पता है हाजियों नमाजियों मौलवियों, गीबत कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल गीबत व अशद्दु मिनज़्ज़िना, ऐ मेरे सहाबा, किसी इंसान की गिबत करना ये जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह है, ये जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह है। वकालो या रसूल अल्लाह व कैफल गिबत व शर्तु मिनज जिना, ये न या अल्लाह के रसूल, ये गिबत करना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इन रजुल लेजनी, अगर कोई आदमी तौबा कर लेता है, फयतूबु, और रब के सामने तौबा करता है, फयतुबल्लाह अलैह, अल्लाह उसको तौबा को कबूल कर लेगा। वलाकिन साहिबुल गीबती, लेकिन जो आदमी गीबत कर रहा है, ला युफलहु, उस वक्त तक उसको माफ नहीं किया जाएगा, हत्ता यफलहा साहिबहु, जब तक कि वो इंसान उसको माफ न कर दे जिसकी आप गीबत कर रहे हैं। इसलिए फरमाया गया गीबत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और जिना से ज्यादा बड़ा गुनाह है।
बताओ हमारा समाज इस बीमारी में मुबतला है या नहीं है, भाई है कि नहीं है। तो गीबत करने से अपने आप को बचाइए, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज मैं देखता हूँ नौजवानों के क्या हालात है। अगर समाज और माशरे के अंदर में किसी इंसान से कोई गलती हो गई, नौजबिल्लाही मिन ज़ालिक, किसी के बच्ची का पैर फिसल गया, किसी के बच्ची से भूल चूक हो गई, आज का नौजवान क्या करेगा? सबसे पहले अपने जेब से मोबाइल निकालता है, उसकी उसको उसका वीडियो बनाता है और फौरन जा करके फेसबुक पर यूट्यूब पर उसको वायरल कर देता है। ऐ नौजवानों, किसी के गलती को फैलाने वालों, किसी के गुनाह को शेयर करने वालों, आओ नबी की हदीस सुनते जाओ। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामती। अगर मुआशरे के अंदर में किसी इंसान से कोई गलती हो गई तो रसूलुल्लाह का फरमान यह है कि आप उसके गुनाह का फोटो बना करके वायरल नहीं कीजिए, शेयर नहीं कीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं अगर तुमने किसी इंसान को गलती करते हुए देख लिया और उसके गुनाह को तुमने छुपा दिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कल हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह पर पर्दापोशी का मामला फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है, भाई है कि नहीं है। नौजवानों, में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने किसी की बेटी की इज्जत को लूटने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए आपके फेसबुक पर कितने फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप कितने फ्रेंड हो सकते हैं? अरे बहुत बहुत, 10,000 होंगे, 1,00,000 होंगे। लेकिन नौजवानों, अगर तुमने किसी की इज्जत को बचा लिया, उस पर पर्दापोशी का मामला किया, अरे हश्र के मैदान में बहुत बड़ा मजमा होगा, करोड़ों खरबों लोग होंगे उस मैदान हश्र के अंदर में। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाह पर पर्दापोशी का मामला करेगा, चुपके चुपके अल्लाह तबारक व तआला पास कर देगा। इसलिए मुसलमान भाइयों, अगर आपके सामने में किसी से कोई गलती हो जाए तो बजाय इसके कि आप उसके गुनाह को वायरल करें, उसके गुनाह पर पर्दापोशी का मामला करेंगे। तो करेंगे सभी आदमी, तो करेंगे। एक वाक्य सुनिए, बड़ी कीमती वाक्य है, बताते हैं फिर इंशाल्लाह आप हजरात के सामने इस्लाहे माशरा के ताल्लुक से जो मैंने मनुस्मृति का श्लोक पढ़ा है वो आपके सामने बयान करूंगा। सुनिए, एक नौजवान की शादी हो गई। नौजवानों सुनो, देखो हदीस पर अमल कैसे की जाती है। एक नौजवान की शादी हुई, इत्तफाक देखिए कि जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की 9 महीने की हामिला थी। इस नौजवान को पता नहीं है कि मेरी बीवी 9 महीने की हमला, पेट में 9 महीने का बच्चा पल रहा है, गलत बच्चा पल रहा है, जिना कराने के तूफान में ये बच्चा पैदा हुआ। अब ये कि उस लड़की की रुखसती हो गई, वो लड़की अपने शोहर घर आ जाती है। लेकिन मुसलमानों क्या हुआ, रात में जब वो लड़का अपनी बीवी से मुलाकात करने गया, सुहागरात मनाने के लिए गया, इत्तफाक से क्या हुआ, उस लड़की को दर्द से शुरू हो गया जो बच्चे के पैदाइश में दर्द हुआ करता है। वो लड़की अब घबरा रही है, पसीना पसीना हो रही है। एक तरफ समाज का मसला है, एक तरफ मेरे बाप की इज्जत का मसला है। कल सुबह में तमाम लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहेंगे, मेरे बाप की नाक कट जाएगी, मेरे बाप की पगड़ी गिर जाएगी। वो लड़की ये सारी बातों को सोच करके रो रही है, पसीना पसीना हो रही है। आजकल का नौजवान होता उस भी पर जुल्म करता, मारता और उसके गुनाह को वायरल कर देता, मीडिया वाले कल सुबह पहुंच जाते। लेकिन नौजवानों देखो, वो नौजवान हदीस पर कैसे अमल कर रहा है। उस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी तुम डरो नहीं, तुम रो नहीं, तुम मेरी निकाह में आ चुकी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी बुराई मेरी बुराई है, मैंने तुमको तलाक दूंगा, मैं मारूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तुमने जो गुनाह किया है अल्लाह से तौबा कर लो। लेकिन मुसलमानों, अब मसला ये था कि उस बीबी की इज्जत को कैसे बचाना है, उस बच्चे की जान को कैसे बचाना है, बताओ मामला टेढ़ा है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। लेकिन मुसलमानों, जब कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला से डर
जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं जो इंसान अल्लाह से डर जाता है तो अल्लाह ताला उसके निकलने के लिए रास्ता को पैदा कर देता है। अब हुआ ये कि वो लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, पहली रात है लड़का पैदा हुआ। हुस्ने इत्तेफाक से अब वो लड़का सोच रहा है कि इसको हम कैसे छुपाएंगे। अल्लाह ने उसके दिमाग में एक बात डाली, जब सुबह हुई वो नौजवान बाप ने वो सारे गंदगी को साफ सुथ कर देता है। जब सुबह हुई बगल में मस्जिद थी, वो नौजवान जब देखा कि तमाम लोग नमाज में लग गए हैं, नमाज की नियत बांध लिए हैं, तो वो नौजवान उठता है और जाकर के उस बच्चे को चादर में लपेट करके मस्जिद कोने में रख करके नमाज को शुरू कर देता है। जब तमाम लोग नमाज पढ़ रहे थे अचानक लोगों ने देखा कि मस्जिद के अंदर में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तमाम मुसल्ली हजरात घबरा गए, ये बच्चा सुबह सुबह किसका आ गया है, आज तो गांव के अंदर में किसी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये बच्चा किसका होगा। अब तमाम नमाजी हजरात लड़ने लगे, ये बच्चा हम लेंगे, बच्चा हम लेंगे। इसलिए कि लड़का था, कुछ लोग सोच रहे थे अगर हम उसको ले लेते हैं कैसे भी पाल पोस लेंगे तो शादी करने के बाद 4 लाख रुपया तो मिल ही जाए कम से कम, इसलिए सभी लोग लेने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मुसलमानों उसी मजमा में एक बूढ़े चाचा बैठे हुए थे, तमाम लोगों ने कहा ये बूढ़े चाचा जो है ये हकम है, ये फैसला करेंगे बच्चा किसका होना चाहिए। उस बूढ़े चाचा ने कहा ये बताओ कि ये जो बच्चा जिस चादर में आया है वो चादर किसकी है। तो तमाम लोगों ने कहा कि चादर ये फला नौजवान की है, ये चादर फला नौजवान की है। उस बूढ़े मियां ने फैसला किया ये बच्चा भी उसी का होगा। तो मुसलमानों उस नौजवान के दिमाग में ये हदीस घूम रही थी, मन सतरा मुसलिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामती। भला बताइए, तब उस नौजवान ने इस हदीस पर अमल किया, उसकी बीबी की इज्जत बच गई, उसके बच्चे की जान बच गई और उस मोहल्ले के अंदर में उस बच्चे की इज्जत बढ़ गई और तमाम मोहल्ले में शोर होने लगा कि फला नौजवान को अल्लाह ताला ने बच्चा टाड़े का समान सता दिया। बताओ एक हदीस पर अमल करने से कितना बड़ा फायदा हुआ, वक नहीं हुआ। इसे नौजवानों इस हदीस पर अमल कीजिए और किसी के गुनाह को वायरल करने से, किसी को किसी की बेइज्जती करने से बेहतर है आप उसके गुनाह पर पर्दापोशी का मामला कीजिए। तो करेंगे चला सभी आदमी जोर से बोलिए, सब करेंगे। दूसरी बात यह है नौजवानों, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आज हम लोग 24 घंटे गीबत, चुगलखोरी, हसद बोलते हैं किसी इंसान की तरक्की को देख करके चलना, ये हमसे बड़ा क्यों हो गया, इसको इज्जत क्यों मिल गई, शोहरत क्यों मिल गई, हम उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, इसको हम बेइज्जत कैसे कर दें, इसको जो इज्जत मिली उसको बेइज्जत कैसे कर दें, इसको बोलते हसद करना, ये बहुत बड़ा पाप है। और आज मैं देखता हूँ समाज के अंदर में, माशरे के अंदर में, मैंने बहुत जगह पर सफर किया, एक जगह पर मैं गया, लोगों ने शिकायत की कि मुफ्ती साहब, चतुर्वेदी साहब हमारे गांव में हाजी साहब हैं, एक जमाती साहब हैं, एक नमाजी साहब हैं, हमारे जमीन पर नजायज कब्जा कर लिया है, मेरे हक को मार करके बैठा हुआ है। आज माशरे मैंने ये देखा है, आज वो हाजी साहब, वो नमाजी साहब, वो मौलवी साहब किसी इंसान पर जमीन को हड़प कर लिया है, एक बालिश जमीन को अपने नाम कर लिया है, नमाज पढ़ रहा है, इशराक की पाबंदी भी कर रहा है। अरे किसी मुसलमान के हक को मारने वालों, किसी जमीन पर नजायज कब्जा करने वालों, मुस्तफा का फरमान सुनते जाओ। हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मनेकता हक मुस्लिमीन बियमी नहीं, जो मुसलमान किसी मुसलमान का कोई हक दबा लेता है बियमी नहीं, कसम खा करके झूठी गवाही पेश करके। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, फकत औजब अल्लाह नार, अल्लाह ने ऐसे मुसलमान पर जहन्नम को वाजिब कर दिया है। कितनी खतरनाक बात है भैया कि नहीं, अगर आपने किसी के जमीन पर नजायज कब्जा कर लिया, किसी के माल को हड़प लिया, तो नमाज पढ़ने वालों अल्लाह के नबी कहते हैं फकत औजब अल्लाह नार, अल्लाह ने ऐसे इंसान पर जहन्नम को वाजिब कर दिया है। वह हर माल
अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने इस पर जन्नत को हराम कर दिया है। वो कालू या रसूलुल्लाह व इन काना शैयन असिरन या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी अगर मामूली चीज लेके तब भी हुक्म है। आपने कहा कि इन कज़बु मिन अराकिन, ऐ मेरे सहाबा अगर पीलू के दरख्त की टहनी क्यों न लिया हो तब भी हुक्म है। तो मुसलमानों अल्लाह की भी इबादत कीजिए, अल्लाह के बंदे के हक को पैदा कीजिए। अगर आपने किसी का जमीन हड़प लिया है, किसी के माल पर नजायज कब्जा कर लिया है, तो मरने से पहले पहले इमाम साहब आपके जनाजा के सामने में खड़े होकर के ऐलान करें कि हमें फला साहब का इंतकाल हो गया है। अगर किसी का कोई कर्जा इसके ऊपर हो तो उनके वारिसिन से ले लीजिएगा। खुदाए पाक कसम इमाम साहब कहने से आपका पाप गुनाह माफ नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी का जमीन हड़प लिया है, किसी के माल पर नाजायज कब्जा कर लिया है, तो मरने से पहले पहले जाकर के उसके माल को वापस कर दीजिए, तब जाकर के माफ हो सकता है। ऐसे बात है कि नहीं बात है? एक हदीस और सुनिए, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बड़ी कीमती हदीस। नौजवानों क्या आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? और सुनेंगे आप लोग, सुन रहे हैं, सुनिएगा। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से बड़ी कीमती बातें पहुंचा रहा हूं। अल्लाह के रसूल बैठे हुए थे, सामने में सहाबाए किराम थे, तो अल्लाह के रसूल ने सवाल किया कि अतदरून अल मिस्कीन, ए मेरे सहाबा जानते हो मिस्कीन आदमी कौन है? तो कालू या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के नबी, हम तो मिस्कीन गरीब उसको समझते हैं जिसके पास कोई दिरहम ना हो, रहने के लिए घर ना हो। हुजूर ने कहा कि नहीं नहीं, इन्नल मुफ्लिस मिन उम्मती मन याती यौमल कियामती बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, मेरी उम्मत का मिस्कीन, मेरे उम्मत का गरीब आदमी वो होगा जो हश्र के मैदान में जब आएगा, ढेर सारी नमाज लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, तिलावत लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, लेकिन उस हाजी साहब का हाल ये होगा, उस मौलवी साहब का हाल ये होगा, वो याती कद शतम हाजा वो कजफ हाजा वो अकला माला हाजा, वो हश्र के मैदान में आएगा, अल्लाह के सामने में जब खड़ा किया जाएगा उनके सामने बहुत सारे हक वाले खड़े हो, वो इंसान पूछेगा मौला ये कौन आदमी है? अल्लाह बोलेंगे सारे हक वाले खड़े हैं, ये सारे हक वाले खड़े हैं। अब मुसलमानों क्या होगा? हश्र के मैदान में एक आदमी आएगा आपकी नमाज लेकर के चला जाएगा, एक आदमी आएगा आपकी तिलावत लेकर के चला जाएगा, एक आदमी आएगा आपका हज लेकर के चला जाएगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं वो इनफुनियत हसना तो हो कबला इन गुजा आले, यहाँ तक के उनके हक चुकाए जाने से पहले पहले इन हाजी साहब की नमाजी साहब की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। अब रब का ऑर्डर होगा सुम्मा उखिज़ खताया हो, ऐ फरिश्तों ऐसा करो ऐसा करो, ये साहिब हक खड़े हैं, हक वाले खड़े हैं, इनका गुनाह लेकर इस हाजी साहब पर नमाजी साहब पर डाल दो, सुम्मा तुरी हफिनार, इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरी उम्मत का मिस्कीन और गरीब आदमी होगा। सही बात है कि नहीं बात है? जब अल्लाह के पास गया बहुत सारी नमाज लेकर के गया, तिलावत भी गया, लेकिन जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला को भी याद कीजिए, अल्लाह के जो मखलूक है, अल्लाह के जो बंदे हैं, उसके भी हक अदा करें। करेंगे जरा सभी आदमी। तो शायर कहता है कि हर दम क्यों तैयार हो, अरे हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बोले सुभान अल्लाह, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। ऐसे बात है कि नहीं बात है? कहाँ जाने के लिए? दिल्ली पंजाब। ये कहाँ जाने के लिए? अल्लाह के पास जाने के लिए। अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। आज हमारा नौजवान 24 घंटे गुनाह कर रहा है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, जबकि मुसलमानों आप सब जानते हैं हमारा आपका रब हमारी हर हरकत से वाकिफ है, हमारा हरकत को देख रहा है, हम किस वक्त क्या कर रहे हैं और कौन से गुनाह कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं बात है? आपको पता है कि नहीं पता है? एक पीर साहब के पास एक नौजवान गया,
ध्यान सुनिएगा, एक पीर साहब नौजवान गया कि हजरत कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि मैं नमाज भी ना पढ़ूं, रब की ना फरमाने भी करता रहूं और रब हमसे राजी रहे, रब हमें जन्नत अता कर दे, कोई नुस्खा है? उस पीर साहब ने कहा कि हाँ नुस्खा है, एक रास्ता है। बोले कि बहुत माशाल्लाह हमारे पीर बहुत समझदार है, आपने हमारे लिए एक बेहतरीन हल निकाल दिया है। पीर साहब वो कौन सा रास्ता है? हम अल्लाह की नफरमानी भी करते रहे, रब भी हमसे राजी रहे। पीर साहब ने कहा सबसे पहला नुस्खा यह है कि तुम ऐसी जगह पर गुनाह करो जहां पर रब ना देखता हो, ऐसी जगह गुनाह करो जहां पर रब ना देखता हो, ना रब देखेगा ना वो नाराज होंगे, ऐसी बात है कि नहीं बात? देखेंगे तो नाराज होंगे ना, तुम ऐसी जगह गुनाह करो जहां रब ना देखता हो। उस नौजवान ने कहा हजरत ये कैसे हो सकता है, हमारा रब तो हर जगह देखता है, हमारे दिल की धड़कन को भी जानता है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। उस पीर ने कहा कि दूसरा काम ये करो, अगर ये तुमसे ना होगा तो ऐसा करो जब तुम गुनाह करने लगो, पाप करने लगो, अल्लाह के मुल्क से बाहर चले जाओ, अल्लाह के मिल्कियत से बाहर चले जाओ, वहां पर गुनाह करो पाप करो और हश्र के मैदान में रब पूछेगा तुम्हें ये गुनाह क्यों किया, नफरमानी क्यों की? तुम अल्लाह से बोलना कि रब हमने ये गुनाह आपके मुल्क से बाहर किया था। उसने कहा ये भी कैसे हो सकता है? इसलिए कि रब कहता है या माशरल जिन वल इंस इन सदात वल तनफुज मिन अक्तारिस समावात वल अर्ज, ऐ इंसान और जिन्नात, अगर तुम चाहते हो हम रब के मुल्क से बाहर हो जाए, तुम बाहर नहीं हो सकते हो, ये भी नहीं हो सकता है, तो ऐसा करो। तीसरी बात है कि ऐसा करो जब तुम गुनाह करो तो रब की नेमत इस्तेमाल ना करो, अल्लाह के जमीन पर ना चलो, अल्लाह के धूप को इस्तेमाल ना करो, अल्लाह के हवा में सांस ना लो। जब रब तुमसे पूछेगा तुमने नफरमानी क्यों की, तो बोला या अल्लाह हम आपका नहीं खाते थे, बोला ये भी कैसे हो सकता? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि नौजवानों जब तुझे पता है हम जहां भी गुनाह करेंगे रब देख रहा है, जब ये भी पता है हम अल्लाह के मुल्क से बाहर नहीं हो सकते हैं, और ये भी तुझे पता है हम अल्लाह की नेमत बगैर इस्तेमाल के जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो नौजवानों फिर तुम उस रब की नफरमानी क्यों करते हो, उस रब से मुकाबले क्यों करते हो? इसलिए उस रब से डर करके जिंदगी गुजारो जो रब तेरे शहर से ज्यादा करीब है। उसी को शायर कहता है माशाल्लाह स्टेज पर हम सब के काजी शरीयत हैत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब रहमानी तशरीफ ला चुके हैं, आप लोग मिल जमी के साथ बैठिए, ये हमारे जिला सुपौल के काजी शरीयत हैं, उनका सम्मान उसकी इज्जत करना ये हम सब कर्तव्य बनता है। बस एक शेर सुनिए, शायर कहता है कि हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, और रोजे अजल में कॉल किए थे जाके जतेंगे नाम। आलम अरवा में तमाम रूह जमा थी, रब ने कहा था रब्बुकुम, हम सब ने कहा था कालू बला। उसी को शायर कहता है रोजे अजल में कॉल किए थे जाके जतेंगे नाम, और जब संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीरो पैगंबर आए हैं, अरे पीरो पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, बोले सुभान अल्लाह, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जब हम लोगों ने अल्लाह के इकरार को भुला दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ऋषियों को मुनियों को अवतारों को पैगंबरों को भेजा यही बात बताने के लिए, कब वैसे सबा लाख नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबी ने यही पैगाम हमको बताया। हिंदू धर्म के अनुसार 64,000 ऋषि मुनि पैगंबर उधर भी आए हैं, यही पैगाम बता गए हैं कि कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और लास्ट बंद सुनिए, शायर कहता है हिंदू जल कर राघु और मुस्लिम हो गए खाक, हिंदू जल कर राघु और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसन दहिया मिट गल रहा कोई ना पास। ऐसे बात है कि नहीं बात है? रब कहता है कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत,
ऋग्वेद के मंत्र कहती है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्म भवती, जो इस दुनिया में आया है सबको अल्लाह के पास जाना है। तो हिंदू चल कर राखू और मुस्लिम हो गए खाक, और सोने जैसन दहिया मिट गल रहा कोई ना पास। अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह से बंद सुनिए माशाल्लाह। इससे कबल हम आए थे शबरात के प्रोग्राम में, 2 बजे दुआ हुई थी, लेकिन मैंने देखा था कि लोग फोन पे कर रहे थे अथर भाई, लेकिन आप देख लें कि वो सब सो गए लगा। तो शायद लास्ट शेर कहता है कि जब तक तेरे दिए में हो जगमग जगमग हो रे, और चल गया तेल भड़क गई बत्ती ले चल ले चल होवे। फिर चार जना मिल आए हैं, और चार जना मिल आए हैं ले जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। इंशाल्लाह हम तमाम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे बड़ी इंशाल्लाह। और हम पर अगर किसी का कोई हक है तो मरने से पहले पहले उनके सारे हक को हम चुका देंगे। किसी का जमीन हमने नजायज कब्जा कर लिया है तो मरने से पहले उनके जमीन वापस कर देंगे, ताकि हम रब के पास जाए तो मुकम्मल साफ और सफा होकर के जाए। और लास्ट के बाद नौजवानों में आप लोगों से कह करके मैं आपके बीच से रुखसत होता हूँ कि नौजवानों अभी नाज़िम जलसा हज़रत क़ारी अथर साहब जमाली बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं, और मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का एक मशहूर नाज़िम के नाम से वो जाने और पहचाने जाए। आप लोग बोल दीजिए आमीन। अभी नाज़िम साहब कह रहे थे कि कौन कौन मदीना जाना चाहते हैं, कौन नबी की ज़ियारत करना चाहते हैं। नौजवानों, अगर नबी की ज़ियारत अगर तुम चाहते हो कि कब्र में नबी की ज़ियारत हो, हश्र के मैदान में नबी की ज़ियारत हो, तो मुसलमानों अपना चेहरा कम से कम उस नबी जैसा बना लीजिए। वरना खुदाए पाक कसम, जैसी हमारी शक्लें हैं, जैसी हमारी सूरतें हैं, जैसे हमारे बाल की कटिंग है, खुदाए पाक कसम इसी हाल में अगर हम मर गए तो हश्र के मैदान में आका हमें नहीं पहचानेंगे, ये मेरी उम्मत है या नहीं। ऐसे बात है कि नहीं बात है? बताओ हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी? जैसे बोलिए थी या नहीं थी? तो क्या हमारे चेहरे पर दाढ़ी है? आजकल का मुसलमान पूरा सफेद चट और बाल सुअर कट बाल, जब बस पर सफर करता है, ट्रेन पर सफर करता है, उसे सलाम करे या न करे सोचना पड़ता। सही बात है कि नहीं बात है? जब आपका बाल ठीक नहीं होने के बिना पर, चेहरे पर दाढ़ी नहीं होने के बिना पर आज दुनिया वाले मुझे नहीं पहचान रहे हैं ये मुसलमान है या नहीं है, तो बताओ ईमानदारी से हश्र के मैदान में आका तुझे कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। इसलिए जवानों, लास्ट मेरा पैगाम लेकर के जाओ, अगर कब्र के अंदर में हश्र के मैदान में नबी की ज़ियारत चाहते हो तो इंशाल्लाह अपनी सूरत को बेहतरीन बना लीजिए, कम से कम अपने चेहरे पर दाढ़ी ले आइए, वजह तक ठीक कर लीजिए, ताकि हश्र के मैदान में जब रब आपसे पूछेगा तुम कौन सी नमाज लेकर के आए हो, क्या इबादत लेकर के आए हो, तो रब से ये तो कह सकोगे तेरे नबी की यारब शबाहत लेके आया हो, तेरे नबी की यारब शबाहत लेके आया हो, तो उसको करते हकीकत में सूरत लेके आया हो। तो कम से कम अगर नकल करके जाओगे तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको असल में बदल देगा और हमारे और आपके लिए जन्नत का फैसला कर देगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, जो बातें कही गई है अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आपको भी अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वाकईतन आपके मकतब तो चल रहा है गंगा पट्टी के अंदर में, उस मकतब में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और बच्चियां और खास तौर से उस मकतब में पढ़ाने वाले हजरत हाफिज बुखारी रहमानी साहब, वाकईतन आप जो है बहुत ही बात के काबिल हैं, जितने भी आपकी तारीफ की जाए बहुत कम है। मैंने देखा कि मगरिब के बाद से ही बच्चों का प्रोग्राम चला, बच्चों
बच्चों का प्रोग्राम चला, इतना बेबाकी के साथ और बेधड़क होकर के बच्ची ये बजाओ में प्रोग्राम पेश कर रही थी। वाकई मुसलमानों, गंगा पट्टी वालों, इन बच्चे और बच्चों के पीछे आप इमाम साहब की बड़ी मेहनत रही होगी, बड़ी कुर्बानी रही होगी। और हमारे अतर भाई भी इस मकतब में या उस मकतब में हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, हमारे मकतब का निजाम एकदम मुस्तकम निजाम बने। वाकई बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल है आप हजरत कारी अब्दुल्ला साहब, तमाम गंगा पट्टी के लोग, आप लोगों ने ऐसे पुरफितन दौर के अंदर में इतने बेहतर इमाम का इंतखाब किया है। मुकम्मल ऐसे इमाम का हम ख्याल रखे ताकि ता देर तक हमारा इमाम इस गो में सेवा कर सके, खिदमत कर सके और हमारे हर हर घर में बच्चा और बच्ची कुरान हदीस की तालीम याफ्ता हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।